गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अभी बज चुके हैं दोपहर के एक। ब्लॉग स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि रौने तो ऑफिस गए हुए हैं और मैं और आरवी नहा करके फ्रेश हो चुके हैं। अभी देखिए आरवी अपनी मासी से और दीदी से बात कर रही है। कैसे बात कर रही है देखिए, ऐसे वो बात करती रहती है। अभी मैं आरवी का नेल ट्रिम करने जा रही हूँ। ये देखिए आरवी का नेल ट्रिमर, इससे बहुत अच्छे से आरवी का नेल ट्रिम हो जाता है। नेल कटर यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि नेल कटर से कट करने से थोड़ा शार्प रहे। हेलो, मम्मा उठ गई? मम्मा उठ गई क्या? गाइज, हमारा जो ये स्टडी टेबल है ना, ये आप देख सकते हैं इतना मैशी हो जाता है। मैं इसको क्लीन करने का कोशिश करती हूँ और ये फिर से इधर उधर ऐसे सामान होके बिखर जाता है। अभी मैं इस जगह को पूरा क्लीन करके अच्छे से क्लीन करूँगी। गाइज, तो देखिए मैं ये टेबल पूरा क्लीन कर चुकी हूँ। ऐसे यहाँ पे बैठ के लैपटॉप में वर्क करने में उतना दिक्कत नहीं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी मैं घर आ चुका हूँ ऑफिस से और अभी हम लोग निकल रहे हैं। पीछे देख पा रहे हैं आरवी भी है, आरवी की मम्मा भी है और हम भी हम लोग निकल रहे हैं। आप लोग को एक नया जगह दिखाएंगे आज रांची का, एकदम ब्रांड न्यू जगह। चलिए, कौन से जगह का बात कर रहा हूँ वो वहाँ पर जाके आप लोग को दिखा के बताते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए जहाँ का आप लोग बात कर रहे थे। पीछे आप लोग देख पा रहे हैं, ये आज ही ओपनिंग हुआ है। ये शॉप का नाम है फूड अड्डा, एक्चुअली रेस्टोरेंट है और रांची में आज इन लोगों का ओपनिंग है। और ओपनिंग में आज ये लोग हम लोग को बुलाए थे, इनविटेशन मिला था, तो आज हम लोग आए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। बर्गर खा लिया, अभी 500 का पिज्जा। ये रांची में फूड अड्डा का फर्स्ट आउटलेट है, तो जरूर आइए यहाँ पे।
ठीक है, ये इनका लोकेशन मैं बता देता हूँ कहाँ पे है। ये आपका कांके में है। अगर आप कांके में आ रहे हैं सांची में और वह पिथोरिया साइड जा रहे हैं तो आपको ये रिलायंस से बाद लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा कूलरडा का आउटलेट। यहाँ पे ज़रूर आइए और इनका खाना बहुत ही अच्छा है। सबसे बढ़िया चीज़ इनका हमको ये लगा कि हर चीज़ की नया अंदाजा से ये लोग बनाए हैं। हर चीज़ में फ्यूजन है कोई चीज़ का, तो आप लोगों को एक ऐसा खाना नहीं मिलेगा, बहुत अलग वैरायटी ऑफ फूड मिलेगा। तो यहाँ पे आइए और यहाँ का खाना ज़रूर टेस्ट कीजिए। अभी हम लोग घर आ गए हैं और आप लोग को दिखाया है फूड अड्डा रांची का नया ओपन हुआ है, ये आज ही ओपन हुआ है। तो आज हम लोग को इन्विटेशन मिला था वहाँ से कि आके आप लोग प्लीज़ कवर कीजिए। तो हम लोग गए थे आज वहाँ पे और आप लोग को दिखाया कि क्या क्या वहाँ पे खाना मिलता है। और सबसे बढ़िया बात है फूड अड्डा के बारे में अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे आपको, ये तो एक फास्ट फूड चेन है लेकिन आपको फ्यूजन फास्ट फूड मिलेगा। मतलब क्या हो गया कि थोड़ा सा आपको हर चीज़ में अलग कुछ दिखेगा। जैसे मान के चले आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं तो पिज़्ज़ा में आपको इतना वैरायटी है और ऐसे अलग अलग टाइप का पिज़्ज़ा मिलेगा, जैसे फ्रेंच फ्राई पिज़्ज़ा हो गया, जो आप कभी सोच नहीं सकते, मतलब दूसरे जगह आप कभी कहीं नहीं मिलेगा ये। तो ये फ्यूजन फास्ट फूड चेन है एक, जो कि रांची में फर्स्ट टाइम खुला है। तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिए फूड अड्डा को। और खाना बहुत ही अच्छा था, पिज़्ज़ा बहुत अच्छा क्वालिटी का था, एक नंबर। थोड़ा सा टॉपिंग्स कम था तो हम लोग वहाँ फीडबैक दे दिए और सबसे अच्छा बात लगा कि फीडबैक वो लोग हर कस्टमर से फीडबैक ले रहे और फीडबैक के ऊपर वो लोग इम्प्रूवमेंट का ज़रूर सोचेंगे, ये मैं कॉन्फिडेंट हूँ। क्योंकि जितना भी कस्टमर आज वहाँ विजिट किए हर आदमी से वो लोग इंडिविजुअली जा जाकर फीडबैक ले रहे थे कि क्या आपको पसंद आया, क्या नापसंद आया, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कैसे हम लोग ये चीज़ को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि कोई भी रेस्टोरेंट जो ओपन हो रहा है कि आप अगर कस्टमर से अपना फीडबैक और रिव्यू लेंगे और अगर कस्टमर आपको ऑनेस्ट रिव्यू देगा और आप उस पर वर्क अपॉन करेंगे तो ऑब्वियसली वो फूड चेन धीरे 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 आगे बढ़ेगा। और ऐसे ही फूड अड्डा धीरे धीरे आगे बढ़ा है। 2016 में ये फर्स्ट फूड अड्डा ओपन हुआ था एक स्ट्रीट में, स्ट्रीट साइड जैसे फूड स्टॉल होता है वैसे एक ओपन हुआ था मुंबई में बोरीवली में। धीरे धीरे 2016 से आज 2023 तक 7 साल के अंदर ये लोग ऑल ओवर इंडिया हर जगह पहुंच गए हैं और इवन इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर अब वो लोग जाने वाले हैं। जैसे आप लोग पिछला वाला इंटरव्यू में सुने भैया का कि इंडिया छोड़ के भी ये लोग बाहर अभी अपना आउटलेट खोलने का सोच रहे हैं, फ्रेंचाइजी देने का सोच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक ब्रांड के लिए कि इतना जल्दी 7 साल के अंदर ऑल ओवर इंडिया कवर कर लेना। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इतना अच्छा है फूड अड्डा का कि उन लोग आप साइट पे जाइए, इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, कहीं भी जाइए, आपको रिव्यूज बहुत अच्छा मिलेगा ऑल ओवर इंडिया कहीं भी देख लीजिए। तो थम्स अप फूड अड्डा टीम को इसके लिए। और ये ब्लॉग को लंबा नहीं करेंगे, ये ब्लॉग को आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे कल एक नया ब्लॉग के साथ। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में। चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।